नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DK पांडे पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि की तारीख और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या पूजा विधि करनी है, किस तरह से आपको पूजा करनी है और किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और महाशिवरात्रि के पूजा व्रत से आपको क्या लाभ मिलता है। इन सब बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 को है, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है। माना यह जाता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन महादेव और माता पार्वती की शुभ मुहूर्त में पूजा करना उत्तम माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करते समय बेलपत्र, जिसको बिल्व पत्र भी कहते हैं, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करना उचित माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो आप इस दिन व्रत करें, उपवास रखें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप नमक का सेवन ना करें और सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। शुभ मुहूर्त में मंदिर जाकर महादेव जी को जल और दूध अर्पण करें। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष लाभकारी बताया गया है। इस दिन व्रती को अनाज का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बना अन्न ग्रहण नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको बता दिया पहले भी। और ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र आपको धारण बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को जो भी प्रसाद आप अर्पित करें उसे आप नहीं खाएं, उसका सेवन आप ना करें। अब आगे हम जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि तो 11 तारीख को है, वो तो हमने आपको बता दिया। पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, अवधि कितने देर तक की रहेगी, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व होता है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। और वहीं उत्तर भारतीय पंचांग की अगर माने तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि एक ही दिन में पड़ती है, ऐसे आज हम आपको साल 2021 में वो 11 मार्च की जो शिवरात्रि है उसके बारे में उसकी पूजा मुहूर्त विस्तार पूर्वक बता देते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, तारीख हो रही है उस दिन 11 मार्च 2021। और जो पूजा समय है, यानी जो पूजा काल का समय निश्चित किया गया है, वो रात के 12:06 से लेकर के 12:55 तक का मुहूर्त बताया गया है। और जो अवधि है वो 48 मिनट की है अवधि। महाशिवरात्रि में दोस्तों शिवलिंग की पूजा का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। जो शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक होता है ये हम सभी जानते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। तो सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा होती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। तो इसे ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत का लाभ क्या है। तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। वहीं जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो या किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो इस स्थिति में भी महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और शिवरात्रि के दिन व्रत करने से, पूजा करने से जो ग्रहों की अशुभता है कुंडली में वह भी दूर होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।